अहम खबर है। अहम मुलाकात के हवाले से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू हो गई है। मुल्की मजमूई सियासी और अमन अमान समेत मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। मुलाकात के बाद पी डी एम का सरबराही इजलास बुलाया जाएगा और ज़राए का ये बताना है कि बजट की तफसीलात से मुतालिक फजल रहमान से मुशावरत की जाएगी। इस मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुल्की मजमूई सियासी और अमन अमान समेत मौशी सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल, आगाह कीजिएगा, क्या खबर है इस मुलाकात के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात जो है वो जारी है। मुलाकात में जो है मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अमन अमान समेत दीगर मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात के बाद पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो बुलाया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आइंदा जो बजट के हवाले से मुलाकात मौलाना फजल रहमान से मुशावरत भी करेंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान अवामी रिलीफ के इकदाम के बारे में अपनी तजावीज से जो है वो वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। इस मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान जो है वो सरदार एयाज सादिक की रहाइशगाह पर जाएंगे और सरदार एयाज सादिक से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। जी ठीक है, आपसे मज़ीद भी इस बारे में जानते रहेंगे, शुक्रिया आपका। तजम्मुल आगाह कर रहे थे, इस अहम मुलाकात के हवाले से मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में बजट के हवाले से बातचीत की जा रही है। मुल्की सियासी सूरत हाल, मौशी सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी दोनों शख्सियात के दरमियान बातचीत का सिलसिला इस वक्त जारी है और अहम मुलाकात है। इस मुलाकात के बाद की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात शुरू हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि अहम उमूर हैं जिस पर इन दोनों शख्सियात के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से आपको अहम खबर देंगे।